नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल देव कोचिंग क्लासेस सिंघाड़ा में। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में बताया था। आज हम चर्चा करेंगे लक्षद्वीप समूह। हम द्वीप समूह देख रहे थे और द्वीप समूह मैंने आपको कहा था कि भी दो द्वीप समूह है अपने भारत, एक तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो हो गया था और अब मैं आपको बताऊंगा लक्षद्वीप समूह। लक्षद्वीप समूह पड़ता है अरब सागर की खाड़ी में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पड़ता है बंगाल की खाड़ी में। तो चर्चा करते हैं लक्षद्वीप समूह की। लक्षद्वीप समूह पड़ता है अरब सागर की खाड़ी में। दोस्तों, लक्षद्वीप समूह के बारे में बताऊं आपको। लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, मात्र 32 वर्ग किलोमीटर के एरिया में बना हुआ है। लक्षद्वीप की राजधानी की बात करें तो लक्षद्वीप की राजधानी कवारत्ती है। बताया होगा मैंने आपको कि लक्षद्वीप है उसका गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। 1 नवंबर 1956 को 3 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन हुआ था, दिल्ली का, इसके अलावा अंडमान निकोबार का और एक लक्षद्वीप का। इन तीनों का 1 नवंबर 1956 को ही गठन हुआ था। अगर पूछे राजधानी तो आपको बताना है कवारत्ती। लक्षद्वीप, लक्षद्वीप के वर्तमान प्रशासक कौन है तो आपको बताना है दिनेश्वर शर्मा। दिनेश्वर शर्मा लक्षद्वीप के वर्तमान प्रशासक है। आगे बात करें लक्षद्वीप में द्वीपों की। लक्षद्वीप में टोटल कितने द्वीप हैं तो आपको बताना है 36। दोस्तों, मैंने आपको अंडमान निकोबार में बताया था कि अंडमान निकोबार में 572 द्वीप हैं। उसी प्रकार से लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं तो आपको बताना है 36 द्वीप। 36 हैं लेकिन मात्र 10 द्वीपों पर ही मनुष्य आबादी निवास करती है। आपको पूछे कि लक्षद्वीप के कितने द्वीपों पर मनुष्य आबादी निवास करती है तो आपको बताना है 10 द्वीपों पर। लक्षद्वीप के कुछ खास द्वीप याद करने हैं आपको। जैसे प्रश्न आए कि लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है तो आपको बताना है एंड्रोट। ये एंड्रोट द्वीप है, ये लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप बताया जाता है। एक इसके द्वीपों में प्रश्न बनता है कि लक्षद्वीप का एकमात्र द्वीप कौन सा है जहां पर हवाई अड्डा बना हुआ है। लक्षद्वीप का वह द्वीप कौन सा है जहां हवाई अड्डा बना हुआ है, तो फिर आपको एक द्वीप याद करना है जिसका नाम है अगाती द्वीप। इस अगाती द्वीप पर हवाई अड्डा बना हुआ है, बाकी किसी भी द्वीप के ऊपर हवाई अड्डा नहीं है। आगे बात करें लक्षद्वीप का वह कौन सा द्वीप है जहां मनुष्य आबादी निवास नहीं करती फिर भी वहां एक पक्षी अभयारण्य बना हुआ है। लक्षद्वीप का वह कौन सा द्वीप है जहां मनुष्य आबादी निवास नहीं करती फिर भी वहां एक पक्षी अभयारण्य बना हुआ है, तो ऐसा द्वीप है पिटली द्वीप। पिटली द्वीप पर मनुष्य आबादी तो नहीं है लेकिन वहां पर एक पक्षी अभयारण्य बना हुआ है। फिर ध्यान करना, लक्षद्वीप के अधिकांश द्वीपों पर एक भाषा बोली जाती है मलयालम। मलयालम केरल की राजकीय भाषा है, केरल के नजदीक है, तो इसलिए लक्षद्वीप के अधिकांश द्वीपों पर बोली जाने वाली भाषा पूछे तो आपको मलयालम भाषा बतानी है। लेकिन अगर आपको पूछे कि लक्षद्वीप का वह कौन सा द्वीप है जहां मलयालम भाषा नहीं बोली जाती, लक्षद्वीप का वह कौन सा द्वीप है जहां मलयालम भाषा नहीं बोली जाती तो आपको बताना है मिनिकाय। इस मिनिकाय द्वीप पर मलयालम भाषा नहीं बोली जाती। अब आपको सब तो कौन सी बोली जाती है तो ध्यान करना, यहां जो भाषा बोली जाती है वो है महल। महल भाषा कहां बोली जाती है तो आपको मिनिकाय द्वीप। लक्षद्वीप के बारे में ध्यान करना, लक्षद्वीप परवाल या मूंगा निर्मित द्वीप है।
पूछते हैं कि भारत का कौन सा द्वीप समूह परवाल निर्मित द्वीप है, तो आपको कहना है लक्षद्वीप। परवाल में अमूमन क्या होता है कि मुंगा एक समुद्री जीव आता है, तो मुंगा जैसे मरता है तो एक चिपक चिपक कर एक परत चढ़ जाती है, तो उससे एक द्वीप तैयार हो जाता है, उसको बोलते हैं परवाल निर्मित द्वीप। भारत का परवाल निर्मित द्वीप पूछे तो आपको कहना है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप के बारे में आपको इतना ही याद करना है। लक्षद्वीप के बारे में दोबारा सुन लेना, लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, मात्र 32 वर्ग किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है, अरब सागर की खाड़ी में स्थित है। वो तो अंडमान निकोबार तो बंगाल की खाड़ी में था, और ये अरब सागर की खाड़ी में है। फिर बात करें आगे, राजधानी क्या है तो क्या बताओगे, क्वारती। पूछे कि लक्षद्वीप में कितने द्वीप, तो आपको बताना है 36 द्वीप। पूछे कि लक्षद्वीप के कितने द्वीपों पर मनुष्य आबादी निवास करती है, तो आपको बताना है 10 द्वीपों पर। फिर आगे बात करें, पूछे कि लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो आपको बताना है एंड्रोट। एंड्रोट द्वीप लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। आगे पूछे कि लक्षद्वीप का वह कौन सा द्वीप है जहां मनुष्य आबादी निवास नहीं करती, फिर भी वहां पक्षी अभयारण्य बना हुआ है, तो आपको बताना है पिटली द्वीप। और आगे पूछे आपको लक्षद्वीप का एकमात्र द्वीप जहां हवाई अड्डा बना हुआ है, तो क्या बताना है आपको अगाती द्वीप। और ध्यान करना, लक्षद्वीप एक परवाल या मुंगा निर्मित द्वीप है। मैंने मुंगा बताया समुद्री जीव होता है, तो जब मरता है तो चिपक जाता है, कई मुंगे जब चिपक के एक मतलब परत बना देते हैं, तो उसी से निर्मित द्वीप है लक्षद्वीप। दोस्तों अब आपको कुछ जलीय सीमाएं याद करनी है, जिनको चैनल भी बोला जाता है, वो भी आप यहीं पर समझना। जैसे एक तो आपको याद करना है 8 डिग्री चैनल, एक याद करना है 9 डिग्री चैनल। चैनल एक जलीय रास्ता होता है, उसको ही चैनल बोलते हैं। फिर एक याद करना है 10 डिग्री चैनल। ये इनका क्रम देखना, 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल। ये 8 डिग्री चैनल है, ये किस किस के बीच में है, तो आपको बताना है मालदीव और मिनिकाय के बीच। ये मिनिकाय एक लक्षद्वीप का द्वीप है, उनके बीच में 8 डिग्री चैनल है मालदीव और मिनिकाय के बीच। तो यहाँ लक्षद्वीप का एक चैनल वो द्वीप है, छोटा सा मिनिकाय द्वीप। मिनिकाय द्वीप से जब मालदीव जाया जाता है, तो ये जो जल है उसको बोलते हैं 8 डिग्री चैनल। फिर उसके बाद में 9 डिग्री चैनल, ये 9 डिग्री चैनल है, ये लक्षद्वीप और मिनिकाय के बीच में। मैंने आपको कहा था कि लक्षद्वीप है वो छोटे छोटे द्वीपों में विभाजित है, तो ये मिनिकाय द्वीप और अन्य लक्षद्वीप के जो द्वीप है उनके बीच में जो जलीय मार्ग है उसको बोलते हैं 9 डिग्री चैनल। फिर उसके बाद में बात करते हैं 10 डिग्री चैनल। ये 10 डिग्री चैनल है, ये छोटा अंडमान और कार निकोबार के बीच है, दोस्तों मैंने आपको जब अंडमान निकोबार पढ़ाया था उस समय बताया था कि अंडमान निकोबार को कुछ द्वीपों में डिवाइड कर रखा है इस प्रकार से, और कहा था मैंने आपको ऊपर वाले बड़े बड़े द्वीप है इसको अंडमान द्वीप समूह बोलते हैं, और नीचे वाला है वो निकोबार द्वीप समूह है। इनको नाम दे रखे हैं, जैसे उत्तरी अंडमान, फिर उसके बाद में मध्य अंडमान, फिर उसके बाद में दक्षिण अंडमान,
फिर उसके बाद में लघु अंडमान, फिर निकोबार द्वीप समूह स्टार्ट हो जाता है, पहला आता है कार निकोबार, फिर लघु निकोबार और फिर लास्ट वाला जो हिस्सा है वो है ग्रेट निकोबार। इस प्रकार से डिवाइड करता है लक्षद्वीप अंडमान निकोबार द्वीप मैंने पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको बताई थी बातें। तो यहाँ देखना 10 डिग्री चैनल मैंने बताया आपको छोटा अंडमान और कार निकोबार के बीच है। तो छोटा अंडमान का मतलब ये लघु अंडमान, लघु और छोटा एक ही बात है। कई बार लघु अंडमान को लिटिल अंडमान भी लिख देते हैं, तो लिटिल अंडमान कह दो, छोटा अंडमान कह दो या फिर लघु अंडमान कह दो, एक ही बात है। इस दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के बीच में जो जलीय मार्ग है उसको ही बोलते हैं 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल ध्यान करना, 8 डिग्री चैनल मालदीव और मीनिकाय के बीच में है, 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मीनिकाय के बीच है, 10 डिग्री चैनल छोटा अंडमान और कार निकोबार के बीच है। फिर उसके बाद में एक आपको याद करना है ये कोको स्ट्रेट, कोको स्ट्रेट क्या है? कोको स्ट्रेट ध्यान करना, यहां म्यांमार के अधीन एक द्वीप है जिसका नाम है कोको द्वीप। इस कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के बीच जो जलीय मार्ग है उसको ही बोलते हैं कोको स्ट्रेट। एक आपको याद करना है डुंकन पास, डुंकन पास ये किस किस के बीच में है? तो आपको बताना है दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के बीच, दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के बीच। सॉरी मैंने आपको ये 10 डिग्री चैनल है छोटा अंडमान और कार निकोबार के बीच बताया था, तो ये छोटा अंडमान तो ये लघु अंडमान हो गया और ये कार निकोबार ये हो गया। आपको पूछे डुंकन पास किसके बीच में है? तो दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के बीच। आपको पूछे 10 डिग्री चैनल किस किस के बीच में है? तो लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच। 8 डिग्री चैनल मालदीव और मीनिकाय हो जाएगा, 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मीनिकाय हो जाएगा, 10 डिग्री चैनल ये है लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच। कोको स्ट्रेट ये है म्यांमार की कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के बीच, और एक डुंकन पास, ये डुंकन पास ये है दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के बीच। इसके अलावा एक आपको ग्रेट चैनल याद करना है, ग्रेट चैनल, ये ग्रेट चैनल किस किस के बीच में? तो ध्यान करना ये जो जल है यहाँ इंडोनेशिया का एक द्वीप है जिसका नाम है सुमात्रा द्वीप। इस सुमात्रा द्वीप और इस निकोबार द्वीप समूह के बीच में जो जलीय मार्ग है उसको बोलते हैं ग्रेट चैनल। इसके अलावा आपको एक ही याद करना है भारत और श्रीलंका के बीच में यहाँ आदम का पुल, ये रामायण काल में बना हुआ, इसको एडम ब्रिज भी बोलते हैं या इसको राम सेतु के नाम से भी जाना जाता है, ये किस किस के बीच में है? तो आपको जाना भारत श्रीलंका के बीच में। और भारत श्रीलंका के बीच में क्या याद करना आपको, आपको पूछे कि पाक जल डमरू, पाक जल डमरू ये भी किस किस के बीच में है? तो आपको बताना भारत श्रीलंका के बीच। देखो पाक जल डमरू पूछे तो आप भारत और पाकिस्तान मत बता देना, पाक जल डमरू किस किस के बीच में है? तो आपको बताना भारत और श्रीलंका के बीच, भारत और श्रीलंका के बीच में जो जलीय मार्ग है उसको बोलते हैं पाक जल डमरू। तो ये कुछ जलीय मार्ग है उनको भी याद करना, एक बार दोबारा बता देता हूँ। देखो 8 डिग्री चैनल मालदीव और मीनिकाय के बीच में है, ये रहा मीनिकाय और इधर से जब मालदीव जाते हैं तो इनके बीच में जो जलीय मार्ग है उसको भी बोलते हैं 8 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल ये लक्षद्वीप और मीनिकाय के बीच में, तो
तो लक्षद्वीप के अधिकांश द्वीपों का जो समूह है ये है, और ये लक्षद्वीप का ही एक छोटा सा द्वीप अलग से है। इनके बीच में जो जल है उसको बोलते हैं 9 डिग्री चैनल। फिर उसके बाद में 10 डिग्री चैनल, ये 10 डिग्री चैनल ये है छोटा अंडमान और कार निकोबार के बीच में है। छोटा अंडमान लघु अंडमान को भी बोलते हैं, और ये नीचे वाला जो भाग है ये कार निकोबार, इन दोनों के बीच में जो जलीय मार्ग है उसको बोलते हैं 10 डिग्री चैनल। फिर कोको स्ट्रेट, ये कोको स्ट्रेट भी म्यांमार का एक कोको द्वीप है और अंडमान निकोबार का एक हिस्सा है उत्तरी अंडमान, इनके बीच में जो जलीय मार्ग है उसको बोलते हैं कोको स्ट्रेट। फिर आगे डुंकन पास, ये डुंकन पास ही रहा दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के बीच जो जलीय मार्ग है उसको बोलते हैं डुंकन पास। एक ही रहा ग्रेट चैनल, ये ग्रेट चैनल है वो इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप और निकोबार द्वीप समूह के बीच है। और एक आपको याद करना है लक्षद्वीप सागर, ये लक्षद्वीप सागर है, ये लक्षद्वीप और केरल का एक तट है, यहाँ म्यांमार मालाबार तट, लक्षद्वीप और केरल के मालाबार तट के बीच में जो जलीय मार्ग है उसको बोलते हैं लक्षद्वीप सागर। फिर उसके बाद में आपको कुछ महत्वपूर्ण द्वीपों के नाम याद करने हैं, आपको कुछ द्वीप याद करने हैं, आपको लोकेशन पूछेंगे कि कौन से द्वीप की लोकेशन क्या है। कौन कौन से द्वीप याद करने हैं आपको, जैसे एक तो यहाँ बताए थे मैंने आपको म्यांमार के अधीन है कोको द्वीप, इसको याद करना, ये कोको द्वीप कहाँ है तो आपको बताना है म्यांमार में। फिर उसके बाद में एक आपको यहाँ याद करना है गंगा सागर द्वीप, गंगा सागर द्वीप, ये गंगा सागर द्वीप कहाँ है तो फिर आपको बताना है हुगली नदी के किनारे, कोलकाता के पास पड़ता है। फिर उसके बाद में एक यहाँ आपको याद करना है उड़ीसा में वहीलर द्वीप, इस वहीलर द्वीप का वर्तमान में नाम बदल दिया गया है, एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर इसका नाम रख दिया गया है कलाम द्वीप। और ध्यान करना ये वहीलर द्वीप है, कलाम द्वीप है, यहाँ पर मिसाइलों का परीक्षण किया जाता है। अगर आपको पूछे कि भारत अपने मिसाइलों का परीक्षण कहाँ से करता है तो आपको बताना है वहीलर द्वीप से, वहीलर द्वीप का ही दूसरा नाम क्या है कलाम द्वीप, एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर इसका नाम रखा गया है कलाम द्वीप, क्योंकि एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, तो इसलिए मिसाइलों का परीक्षण किया जाता है तो उसी की याद में इसका नाम रख दिया गया कलाम। फिर आगे एक द्वीप याद करना आपको यहाँ आंध्र प्रदेश के पास श्रीहरिकोटा द्वीप, श्रीहरिकोटा द्वीप, श्रीहरिकोटा द्वीप है ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है। ध्यान करना यहां से इसरो अपने उपग्रह को प्रक्षेपित करता है। आपको पूछे कि इसरो का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कौन से द्वीप पर है तो आपको बताना है श्रीहरिकोटा, यहाँ पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, वहीं से इसरो अपने उपग्रह प्रक्षेपित करता है। इसरो के बारे में ध्यान करना, इसरो का मतलब होता है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो की स्थापना हुई थी 1979 में, इसका मुख्यालय तो बेंगलोर में है लेकिन इसको उपग्रह प्रक्षेपित करने होते हैं तो यहाँ आता है श्रीहरिकोटा द्वीप, कहाँ है तो आपको आंध्र प्रदेश। फिर उसके बाद में यहाँ याद करना आपको तमिलनाडु में हेर द्वीप, हेर द्वीप कहाँ है तो आपको बताना है तमिलनाडु में। और फिर आपको यहाँ याद करना है रामेश्वर द्वीप, रामेश्वर द्वीप कहाँ है
तो तमिलनाडु के पास पड़ता है, भारत और श्रीलंका के बीच में है। एक यहाँ पर मुंबई के पास याद करना है आपको, सालसेट द्वीप, ये सालसेट द्वीप वहां तो आपको जाना है। तो ये हो गया आपका लक्षद्वीप समूह करवा दी मैंने आपको। इसके अलावा मैंने आपको कुछ जलीय सीमाएं बता दी और ये द्वीप बता दी। धन्यवाद।